कक्षा 7 का पाठ 12 जिसका नाम है पादप में जनन। प्यारे बच्चों, पादप में जनन की अनेक विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन के अपने कई प्रकार होते हैं, जैसे कायिक प्रवर्धन, खंडन या फिर मुकुलन। आज जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं बच्चों, उसमें हम सीखेंगे मुकुलन विधि को। खेल खेल में हम यह क्रियाकलाप करेंगे और आप बड़े अच्छे से सीख जाएंगे कि यह मुकुलन विधि क्या होती है और इसका उदाहरण क्या है। प्यारे बच्चों, इसका उदाहरण है यीस्ट। चित्र के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ड्राइंग शीट और कुछ रंग। और आज जो चित्र हम बनाने वाले हैं, वह चित्र है यीस्ट का। यीस्ट में जनन विधि का चित्र हम आज बनाएंगे। जानते हो, यीस्ट किस विधि से जनन करता है? मुकुलन से। यानी आज हम सीखने वाले हैं मुकुलन। तो चलिए शुरुआत करते हैं यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन के चित्र की। चित्रों के द्वारा हम दर्शाएंगे किस प्रकार से मुकुल बनता है यीस्ट में, और वह मुकुल एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले हम इस प्रकार से एक यीस्ट का चित्र बनाते हैं। ये जो बनाया, ये बनी यीस्ट कोशिका, और यीस्ट कोशिका से अगला जो प्रक्रिया होती है जनन की, उसमें इस तरीके से बनता है, विकसित होता हुआ मुकुल। और धीरे धीरे ये विकसित होता हुआ मुकुल इस यीस्ट कोशिका से अलग हो, इस तरीके से पहले इसका केंद्रक अलग बनता है और फिर यहां से ये मुकुल इस कोशिका से अलग हो करके नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। ये इस प्रकार से बहुत सारे मुकुल बनते चले जाते हैं। तो ये हमने, ये क्या था? एक यीस्ट कोशिका। यीस्ट कोशिका में जनन की प्रक्रिया हुई, और जनन की प्रक्रिया में क्या बनना शुरू हुआ? मुकुल। और यह मुकुल जो है विकसित होता है जब एक मुकुल कोशिका, जब एक यीस्ट कोशिका इस प्रकार से मुकुल में विभाजित हो जाती है। और विभाजन में पहले कौन विभाजित होता है? केंद्रक। एक केंद्रक ये जो यीस्ट कोशिका का था, और ये बन गया मुकुल का केंद्रक नया। और इसके पश्चात यह पूरी श्रृंखला बन जाती है मुकुल की, इस तरीके से। और इसका अपना केंद्रक होता है। आइए अपने चित्र में रंग भरते हैं ताकि हमारा चित्र बन जाए और भी मजेदार, स्पष्ट और शिक्षाप्रद। हम सीख जाएंगे खेल खेल में ही किस प्रकार से यीस्ट जो है वो मुकुल बनाता है। और जैसा कि बच्चों आप जानते हो, मुकुल एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन के अपने प्रकार होते हैं, जिनमें से एक होता है मुकुलन। और मुकुलन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है यीस्ट। तो यीस्ट में किस प्रकार से मुकुल बनते हैं, ये हमने आज इस चित्र में दर्शाया और सीखा मुकुल का बनना।
यही मुकुल बड़े होकर के इस प्रकार की कोशिका में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर से नए मुकुल का निर्माण करते हैं, जिससे यीस्ट की संतति चलती रहती है। आइए अपने चित्र के नाम लिखें। ये हमने क्या बनाई? सबसे पहले यीस्ट कोशिका, जहां से मुकुलन की यानी अलैंगिक जनन की शुरुआत होनी है। ये बना विकसित होता हुआ मुकुल, ये वाला विकसित होता ये ऐसे, और ये जो बन गया ये है नवीन यानी नया, नवीन माने नया, पूरा बन चुका मुकुल। और ये जो बन गए ये बन गई मुकुल। मुकुल श्रृंखला। और हमने चित्र किसका बनाया? यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन, ये हमने दर्शाया अपने चित्र में, यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन। तो है ना, कितना मजेदार, आसान और खेल खेल में ही सीखने वाला क्रियाकलाप, यीस्ट में मुकुलन। और हमें पता चल गया कि मुकुलन जो है वो अलैंगिक विधि का एक प्रकार है। तो आप भी ये चित्र बनाएं और अपने अध्यापक को अवश्य दिखाएं। तो प्यारे बच्चों, ये हमने बनाया एक एकल कोशीय जीव यीस्ट में जनन विधि मुकुलन का चित्र। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।